हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप घर के अंदर सेफ होंगे। ठीक है, मैं आरव श्रीवास्तव आपका वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन गुरु ऑन यूट्यूब। ठीक है, सो थ्रू दिस चैनल वी प्रोवाइडिंग यू द क्लास फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 ऑल मैथ्स लेक्चर, साइंस लेक्चर। ठीक है, सो वी आर टुडे हियर टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी जिस द नेम इज दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हाँ जी, ये सेकंड चैप्टर है आपके इस चैप्टर क्लास 12 का, बायोलॉजी का। ठीक है, सो डरना नहीं है। ठीक है, जितना समझ, जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगी, जैसे जैसे क्लासेस के लेक्चर डलते रहेंगे, आप नोट्स बाय नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात यह है कि बायोलॉजी जो है ना वो कंटेंट मांगता है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा, और मैं बता रहा हूं, मैं जो लिखता जा रहा हूं उसको साथ बाय साथ लिखते हुए जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको ये हो कि आप जब भी रिविजन करने बैठे तो वो आपको हेल्प करे। अगर नोट्स ही न होंगे तो आप कुछ लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, सो टुडे वी आर हियर डिस्कस विद द क्लास 12 चैप्टर, क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर सेकंड, ओके, चैप्टर सेकंड द नेम इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो फ्रॉम दिस चैप्टर आप ये बात देखिए, इस चैप्टर के नेम से आपको पता चल जा रहा होगा कि आप जो इस चैप्टर में पढ़ोगे वो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ोगे। और प्लांट के अंदर तो जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो होता है आपका फ्लावर, वो आपका होता है फ्लावर। चलिए, पहले मैं आपको सिंपल इसके डेफिनेशन से इंट्रो कर देता हूं चैप्टर को, जो आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा। लेकिन बोलोगे सर आरव सर आप ऐसा क्या दे रहे हो, मैं जो दूंगा आपको खुद नजर आएगा वीडियो में। चलिए देखते हैं बेटा, अगर रिकैप रिविजन होते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, ना ही कॉम्पिटिशन में आते हैं। लेकिन अगर चैप्टर का आधार ही आपका वो जो है वही नहीं मालूम हो तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द डेवलपमेंट ऑफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द डेवलपमेंट ऑफ, या आप ऐसा कर सकते हो कि डेवलपमेंट ना लिखो तो लिख दो इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू दी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्रू द फॉर्मेशन एंड बेटा एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हा बच्चों, आपने एसेक्सुअल के अंदर कोई गैमेट्स नहीं बनता, ये आपका की पॉइंट है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अंदर, एसेक्सुअल में कोई गैमेट्स नहीं बनता है, पैरेंट सेल ही डिवाइड करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट्स का बनना और गैमेट्स का फ्यूजन होना। सो गैमेट का बनना क्या कहलाता है आपका, गैमेटोजेनेसिस, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहलाता है आपका सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन। सो आपने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको इंट्रो में दे दिया था। चलिए, अब मैं आपको बात करता हूँ चैप्टर पे सीधा सीधा ले चलता हूँ, तो चैप्टर में सीधा सीधा चलेंगे, चलते हैं। चलिए, अब आपको पता, मैं बता देता हूं कि इन प्लांट्स The organ या part of plants that responsible
फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आगे हो जाएगा फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्या है बेटा, अंडरलाइन करूंगा, फ्लावर। फ्लावर ही ऐसा चीज है जिसको रिप्रोडक्टिव शूट भी कहते हैं, तरीके से कि जो जो ऑर्गन पार्ट प्लांट का रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लावर। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए जो पार्ट है, जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लावर आपका। क्या है? फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर से ही इस चैप्टर का स्टार्टेड होगा, फ्लावर से ही आपको क्लास 12 का, क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो फ्लावर से ही है, क्योंकि फ्लावर ही इज द मेन पार्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसलिए आपको नाम से पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपको, प्लांट के अंदर फ्लावर की बात हो रही है। चलिए आगे बात आती है कि हम जो बेसिक बेसिक बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि सर फ्लावर से स्टार्ट कर रहे हो तो फ्लावर है क्या, फ्लावर है क्या। चलिए लिखो, फ्लावर आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट। बेटा शूट, रिप्रोडक्टिव शूट, यहां लिख देता हूं शूट, रिप्रोडक्टिव शूट्स। कहते हैं कि फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव, मतलब कि ये मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट होता है। ठीक है, दैट्स द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो फ्लावर के अंदर मेन बात करेंगे कि फ्लावर्स के अंदर मेन पार्ट होता क्या क्या है। चलिए, सो जो पार्ट रिस्पॉन्स, जो पार्ट इसके लिए होता है, देखिए फ्लावर्स को आप अगर ये एनसीईआरटी की बेसिक पॉइंट है, मैं वो नहीं क्लियर करूंगा, वो ये क्लियर करूंगा, सिंपल सी मुझे बात है, छोटी छोटी जल्दी जल्दी बोलूंगा पिकअप थोड़ा पकड़ने के लिए। देखिए कि फ्लावर जो है बहुत ब्यूटीफुल होता है, फ्लावर्स से लोग अट्रैक्शन होते हैं, बहुत से पॉलिनेटर्स जो है, बहुत से इंसेक्ट जो है वो फ्लावर्स पे, बीज वगैरह जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उससे वो नेक्टर प्रोवाइड मिलता है उन्हें। सो ये सब चीजें तो है, वो ये सब एडिशनल पॉइंट है। जो मेन कंटेंट पॉइंट है वो अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो पॉइंट क्या है चलिए देखते हैं। सो फ्लावर के अंदर बच्चों, चलो यहां तक आपने लिख लिया होगा, चलिए फ्लावर के अंदर जो मेन पार्ट है वो क्या है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि सर जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेन पार्ट कौन कौन से हैं वो देखो। पहला पार्ट होता है बेटा जिसका नाम होता है सेपल, अगला होता है पेटल, इसको बोलते हैं कैलिक्स, इसको बोलते हैं कोरोला, इसको बोलते हैं स्टेमन, अगला पार्ट है स्टेमन, ठीक है, STAMEN स्टेमन, ठीक है, जिसको हम, हाँ जी यही पार्ट होगा रिप्रोडक्टिव का पार्ट। ठीक है, दैट्स अ दिस पार्ट इज मेल, मेल मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज पिस्टिल, अगला नेक्स्ट इज पिस्टिल विच इज कॉल्ड गाइडोसियम, ठीक है, पिस्टिल। सो सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल, ये चीज आप देख रहे हो। ठीक है, सो आप अगर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो, सो मैं आपको फ्लावर का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दूं तो इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा वो भी बना देता हूँ जो आपको हेल्प करे, आप इतना बड़ा नाम बनाया इसको, ताकि मैं बनाऊंगा, जब बन जाएगा तभी आप बनाइएगा, जब भी वीडियो आप बच्चे देख रहे हैं तभी बनाइएगा,
जब भी पूरा क्लियर हो जाए। आप इस तरीके से देखोगे, मैं जो बना रहा हूं बेटा ये स्टैमन है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से नजर आएगा आपको, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में ये सब टच नहीं है बेटा, टच मत बना लेना, ये ओबीडी इसके साथ कभी टच नहीं होता, ऐसा कैंडस पार्ट है। वैसे एक्चुअल मैंने ऊपर बनाया है थोड़ा सा, ये वाला पार्ट ही नीचे होता है, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ वो क्या दिखा रहा हूँ, ये जो है आपका पेटल है, मतलब फूल की पंखुड़ियां, फूल की पंखुड़ियां, ये जो पार्ट आपका क्लियर कर रहा है ये है स्टेमन, ठीक है, इसमें ये पार्ट आपका एंथर है, ये है आपका फीमेल पार्ट जिसका नाम है पिस्टिल, ठीक है, इसमें ये सेक्शन आपका है इस तरीके से, ये है आपको ओवरी, ये पूरा पार्ट मैंने पिस्टिल दिखाया है, ये पार्ट आपका स्टिग्मा है। मैं जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं एक एक करके हर एक, क्योंकि जैसे अभी अगला टॉपिक जो होगा स्टैमेन से स्टार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट आपको मैं अभी मैं केवल इंट्रो दे रहा हूं। आपका ये पार्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बताइए, ये होगा सेपल, ठीक है, क्लियर हो गया। ये पार्ट पूरा जो है वो है थैलेमस, क्लियर हो गया। सो यहां तक आपको फ्लावर का पार्ट समझ में आ गया होगा। आप ये थोड़ा रफ डायग्राम है, आप चाहे तो स्कूल की एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उससे आप डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखा दिया। चलिए आगे जो डिस्कस करूंगा मैं वो ये डिस्कस करूंगा कि जहां पे मैं मेन पार्ट जिसका नाम होगा स्टेमन एंड पिस्टिल, इसी के बारे में मुझे आगे डिस्कस करना है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं बता देता हूं कि जो आपका सेपल है एंड पेटल है कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका नाम कोरोला है, इसका नाम कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला, और हाँ ये हो गया, आर नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट मतलब उतने एसेंशियल ही नहीं है, क्योंकि मेन जो काम आएंगे वो होंगे स्टेमन एंड कार्पल। चलिए देखते पहले यहां ये हो गए नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है, नॉन एसेंशियल पार्ट की बात होगी, ठीक है। अब आगे जो बात आएगी वो आएगी जैसे इसको एसेंशियल पार्ट कहा नॉन एसेंशियल, तो इसको कह सकते हैं कि सर आप ये भी तो कह सकते हो कि दिस इज द नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन, क्योंकि फ्लोरल ऑर्गन है, फ्लावर का ऑर्गन है, इसीलिए फ्लोरल ऑर्गन मैंने इसका नाम दे दिया। चलिए अब अगला पॉइंट आता है जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेमन, स्टेमन, ठीक है, जिसको मैंने एंड्रोसियम बोला है, एंड अगला जो बोला है वो है कार्पल, मतलब पिस्टिल कह लो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कार्पल भी कह सकते हैं, जिसको मैंने गाइनोसियम का नाम दिया है, मैंने नहीं दिया है, कुदरत ने दिया है, ठीक है, एंड कार्पल गाइनोसियम, ठीक है, आर एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन, ओके। सो ये जो पार्ट है इसमें ये एसेंशियल ऑर्गन है, क्योंकि ये जरूरत, ये मेन इंपॉर्टेंट काम फंक्शन में आता है, वो इतने फंक्शंस में नहीं आता, उसके भी फंक्शंस हैं लेकिन उस तरीके से नहीं है जो हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने हो, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं स्टेमन के बारे में, बेसिक बेसिक बताऊंगा क्योंकि चीजें समझाने मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना कि ज्यादा रटवाने, ठीक है। सो बात आती है फ्लावर के अंदर,
मैं स्टेमन की बात करूंगा। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं। या यूनिट ना कहना चाहो तो आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स को ना पढ़ रहे, बायो पढ़ रहे, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लो, ठीक है बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा स्टेमन। स्टेमन का फिगर कैसा होता है देख लीजिए, इस तरीके से होता है, ये पूरा सेक्शन आपका स्टेमन का है, ठीक है, दिस द पार्ट इज एंथर, ठीक है, एंड दिस द पार्ट फिलामेंट, ठीक है, दिस इज द पार्ट एंथर, ये पूरा स्टेमन है, स्टेमन के अंदर ये फिलामेंट है जो उसको स्टॉक करने में हेल्प करता है, थोड़ा लहराने में हेल्प करता है, ठीक है। मेन जो पार्ट है स्टेमन का वो है आपका एंथर, क्या है आपका एंथर, तो हम एंथर से ही शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है, एंथर से ही स्टार्ट करेंगे। तो पर आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। आप इसको एक और बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा ये तो कह लो, या आप एक और बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफाइल ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और माइक्रो स्पोरोफाइल ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। सो ये एक पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट आता है कि फ्लावर हैज अ एंथर, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, जैसे हमने एंथर देखा और फिलामेंट देखा, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स फिलामेंट, ठीक है। अगली बात आती है एंथर फिलामेंट, तो पहले फिलामेंट का, क्योंकि फिलामेंट बहुत छोटा पॉइंट है, एंथर बहुत बड़ा पॉइंट है, एंथर से शुरुआत करें, लेकिन फिलामेंट लिख देता हूं कि फिलामेंट इज लॉन्गर लॉन्ग एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कह लो, ठीक है, फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, समझ में आया, ये पॉइंट ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है बात कि इट इज अटैच्ड प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस, इसका जो पॉइंट आता है वो ये लिखते हैं कि इट इज अटैच्ड प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस, कहते हैं कि इट इज अटैच प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस, थैलेमस क्या है, फ्लावर जब देखते हो तो फ्लावर जो बेस वाला पार्ट होता है नीचे, वो वाला आपका थैलेमस होता है, कुछ लाइक ऐसा कि मैं आपको ऐसा बनाऊं, देखते हो ये वाला पार्ट जो आपका, ये पार्ट ही पूरा थैलेमस है, जिसमें मेन सारे चीजें अटैच होती है, पेटल सेपल कैलिस कोरुला, पेटल सेपल स्टेमन एंड कार्पल, ठीक है। सो इट इज अटैच प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस, आई होप आपने यहां तक का नोट डाउन कर लिया होगा, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात आती है कि जो फिलामेंट है, यही फिलामेंट डिस्टली इट बियर्स ऊपर की तरफ, डिस्टली इट बियर्स एंड, क्लियर हो गया, डिस्टली ये बियर करता है अपने इस वाले पॉइंट पे एंथर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अटका कि नहीं अटका, यहां तक के लिए अटक गया होगा दिमाग के अंदर, ठीक है, चलिए अटकना चाहिए दिमाग के अंदर, अटक गया तो अटक गया, क्योंकि फिर वो आने वाले दो साल के बाद जो एग्जाम के लिए आप बैठते हो 3 घंटे में, तो 90 क्वेश्चन में जो आधी
90 क्वेश्चन तक करने के लिए बैठते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बेटा, 3 क्वेश्चन तो सीधा इस चैप्टर से उठ के आते हैं, सीधा 3 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। अगर चैप्टर डिटेल मालूम होगा तो नीट 2021 में जो भी बच्चे क्लास 12 का अगले साल पेपर देंगे, ये परिस्थिति चल रही है, भगवान से दुआ करते हैं कि अगले साल ये परिस्थिति ना हो, ताकि सारे विद्यार्थी और सारे स्टूडेंट्स अपने सारे एग्जाम्स को अच्छे से पेपर में पास करके अच्छा क्वालिफाई करके आगे की तरफ प्रमोट हो। चलिए, एज अ टीचर मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे आती बात की सर, ये बात क्लियर हो गई। अब आती है बात एंथर की। तो एंथर इज बायलोड स्ट्रक्चर, ठीक है, एंथर इज अ बायलोड स्ट्रक्चर। मैं एंथर डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, फिर आप देखिएगा। पहले पॉइंट कुछ लिखना है कि एंथर इज अ बायलोड स्ट्रक्चर। बायलोड कैसे, मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, तब आप उसको देखना कि एंथर कैसे बायलोड होता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। कुछ इसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इतना मोटा बनाने की जरूरत नहीं। तो आप इस तरीके से एंथर, ठीक है, ये तो फिलामेंट ही है, ये एंथर है, बोलोगे सर सांप बना रहे हो क्या? नहीं, सांप नहीं बना रहा हूं बेटा, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या बना। ये रहने दो, ठीक है, ये माइक्रोस्पोंजिया का है, मैं आपको फेयर कर दूंगा। पहले आप इसको देखो कि एंथर इज अ बायलोड स्ट्रक्चर। कहते हैं कि एंथर में दो लोब होते हैं, मान लो कि ये एंथर है, तो एंथर के अंदर दो लोब होंगे, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, दो लोब होंगे, वन लोब इधर एक दूसरा लोब इधर, बायलोड स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ बायलोड स्ट्रक्चर। दो लोब होते हैं, ठीक है, इट बिकॉज मैं यहां लिख रहा हूं बिकॉज इट कंसिस्ट टू लोब, ओके, बिकॉज इट कंसिस्ट टू लोब, दो लोब है, एक और दूसरा, ठीक है। अब अगली बात आती है कि एंथर इज अ बायलोड स्ट्रक्चर, एंथर इज अ बायलोड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब, ठीक है, इट इज अ एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का फर्टाइल पार्ट होता है, मतलब वो पार्ट जो फर्टाइल हो, फर्टाइल मतलब वो होता है जो गैमेट्स को रिलीज करे, फिलामेंट तो रिलीज नहीं कर सकता ना, तो फर्टाइल पार्ट है, मतलब कि ये पार्ट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि ईच लोब बायलोड स्ट्रक्चर है ना, एक लोब इधर एक लोब इधर, दो लोब है, ईच लोब हैज टू थीका, ठीक है, ईच लोब हैज टू थीका। थीका का मतलब यहां पे होगा, टू थीका का मतलब यहां पे होगा कि सर आप जो बताना चाह रहे हो वो ये बताना चाह रहे हो कि जो थीका बनेगा उससे होगा क्या, थीका है क्या, थीका है क्या बेटे, थीका वो होगा जिसमें ये कंपार्टमेंट होगा। कहने का मतलब अगर ये एक लोब इधर एक लोब इधर, तो इसमें दो थीका, मतलब ऐसे मैं आपको बताता हूं, ऐसे ये दो लोब है, तो इसमें एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, मतलब चैम्बर्स, मतलब थीके का मतलब होता है चैम्बर्स, ठीक है, थीके का मतलब होता है चैम्बर्स, द मीन्स ऑफ थीका इज दैट कि चैम्बर्स, सी एच ए एम बी आर। अब देखो द एंथर दोनों दो लोब के हैं, एक ये चैम्बर एक ये चैम्बर, तो एक लोब में दो थीका, मतलब एक थीका ये रहा दूसरा थीका ये रहा, उसी दूसरे लोब में एक थीका इधर एक थीका ये रहा, इसीलिए बोलते हैं कि एंथर इज चलो एक पॉइंट और बताता हूं ताकि फिर मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा। अब आपने समझ लिया कि हर एक लोब के पास दो थीका है, मतलब दो चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स है, दो चैम्बर्स है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू थीका है, दैट्स व्हाई टू थीका,
एंड इज नोन एज डाइथिकस। इसे इसको क्या बोलते हैं? डाइथिकस। क्या बोलते हैं इसको? डाइथिकस। ठीक है, क्लियर हो गया। द टू चैम्बर ऑफ एन एंथरलोब, द टू चैम्बर, ये दोनों चैम्बर, दो चैम्बर, चार चैम्बर है, द टू चैम्बर ऑफ एन एंथरलोब, मतलब एक एंथरलोब की बात कर रहा हूं, द टू चैम्बर ऑफ एन एंथरलोब पोजिस लॉन्ग एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरंजिया या माइक्रोस्पोर। ठीक है, उसी को पॉलन सैक कहेंगे। यहीं से चैप्टर का आप बिगनिंग शुरू हो जाएगा, जहां से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो लिखिए द टू चैम्बर्स ऑफ एन एंथर लोब पोजेस लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, बच्चों लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, द टू चैम्बर्स ऑफ एन एंथर लोब पोजेस लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल वर्ड, क्या लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल को पोजेस करेगा? हाँ जी, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, जिसको अंडरलाइन करके लिखना, पोलन सेक्स, सेक्स नहीं सेक, अंडरलाइन करो, और माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, सो पोलन सैक्स और सैक और माइक्रोस्पोरंजिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक के लिए लिखिए द टू चैम्बर्स ऑफ एन एंथर लोब पोजेस लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोलन सैक और माइक्रोस्पोरंजिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? मतलब कि जो ये दोनों लोब है, द टू लोब्स है, ईच लोब हैज टू थीका, मतलब ये हर एक थीके, हर एक चैम्बर के अंदर क्या बन रहा होगा? माइक्रोस्पोरंजिया बन रहा होगा। द टू चैम्बर्स ऑफ एन एंथर लोब पोजेस लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोलन सैक्स, मतलब कि जो हर दो चैम्बर है एंथर लोब का, पोजेस लॉन्ग, मतलब वो लंबा और सिलेंड्रिकल पोलन सैक को कैरी करेगा, विच इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरंजिया। ठीक है, विच इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरंजिया। ठीक है, इसीलिए इसका एक नाम पड़ जाता है, दोस बाइलोब एंथर is called tetrasporangiate। ठीक है बच्चों, पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरंजिया, दस बाइलोब एंथर इज कॉल्ड अ टेट्रास्पोरंजिएट, मतलब टेट्रा मतलब चार, टेट्रा मतलब चार, चार किस तरीके से मैं अभी ड्रॉ करूंगा, आप देखिए इस तरीके से। आप एनसीईआरटी में डायग्राम को देख सकते हो, एनसीईआरटी में चाहोगे तो इस डायग्राम को देख सकते हो। अब मैं एक रफ सब बना रहा हूं फिगर, ये एनसीईआरटी में आप देखोगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो मैं ये चारों चैम्बर मैंने बना दिए, दो लोग को ऐसे दिखा दिया। अब यहां पे जो इस तरीके से तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया? इस तरीके से एक लेयर और आएगी जिसका नाम था टेप्टम। तीन लेयर होती है, मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे आपको, पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, लिखिए फटाफट यहां से, सो आई होप आपको आज की क्लास जो होगी वो सही लगी होगी।
सो आज की क्लास में जो हमने देखा वो बेसिक देखा कि कैसे मैं आपको बस इंट्रो दिया है थ्रू दिस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर्स में जो जो मेन पार्ट है वो कंटेंट हमने देखा विच इज फिलामेंट एंथर ठीक है सो एंथर का ये पार्ट है सो दिस पार्ट वी आर इंट्रो द पार्ट विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरांजिया नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा टुडे गुड टेक केयर चलिए।